पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के पालीगंज विधानसभा से उम्मीदवार रविंद्र प्रसाद उर्फ गोप जी भैंसा पर चढ़कर नामांकन दाखिल करने पहुंच गए, जो इलाके में खासी चर्चा का विषय बन गया। रविंद्र प्रसाद उर्फ गोप जी कहते हैं कि अगर पालीगंज से लोगों ने उन्हें चुनाव जिता दिया तो विधानसभा भी वे भैंसा पर ही चढ़कर पहुंचेंगे। वहीं पालीगंज अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि अब तक पालीगंज विधानसभा में 19 रसीद काटा गया है, जिसमें अब तक कुल 8 लोगों का नामांकन हुआ है, जिसमें कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार नामांकन के छठे दिन मंगलवार को महागठबंधन के भाकपा माले उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ ने अपना नामांकन का पर्चा एसडीओ से निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार के समक्ष जमा कराया। नामांकन पत्र जमा करने वालों में रवीश कुमार, रविंद्र प्रसाद, धनंजय कुमार, बसंत कुमार, जितेंद्र बिंद, राजगीर प्रसाद व हरे कृष्ण शामिल हैं। पालीगंज विधानसभा से निर्दलीय पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर अपने भाग आजमाने का फैसला किया। सर, ये संदेश मैं देश को देना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ कि यह संदेश जो है पूरा इंडिया में गूंजे, अभी तो पूरा वर्ल्ड में यह जाएगा। सर, मैंने बहुत लोगों ने हमसे सवाल किया था कि रविंदर जी आप क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं। मैं बोला कि कल नॉमिनेशन में पाली के धरती पर ऐसा बम विस्फोट करूंगा, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। इंडिया डेमोक्रेटिक से, कौन सी पार्टी से? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से। अच्छा बताइए, क्या कारण है कि आप भैंसे की सवारी कर चढ़कर आप आए हैं? जी जी, कोई गाड़ी से आया? भैंसा पर चढ़कर आने का क्या उद्देश्य? मैं गरीब का बेटा हूँ सर, मैं जमीन से जुड़ा हुआ बेटा हूँ, इसलिए हमारा घर का ये सवारी है, ये हमारा वंशज का महिषासुर का मैं वंशज हूँ। ये महिषी जो है इसका नाम मैंने रखा है, जो आप लोगों ने दशहरा में देखा होगा। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आगे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोग के माध्यम से मैं घर घर पहुँच चुका हूँ। हमें पालीगंज की धरती से, सभी धर्मों से, सभी समुदाय से, सभी वर्ग से हमें अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है सर, इसमें कोई संशय नहीं। अपना नाम? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद, घर फतेहपुर पश्चिम कोषाना, पालीगंज जिला, पटना।